हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। खुशी स्टार फूड में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ प्रोटीन और न्यूट्रिशन से भरपूर बहुत ही हेल्दी नाश्ते की रेसिपी। बनाने में बेहद ही आसान, खाने में उतना ही मज़ेदार, और ये हेल्दी होने के साथ साथ ना बहुत टेस्टी भी बनता है। तो आइए ये नाश्ता बनाना स्टार्ट करते हैं। ये नाश्ता बनाने के लिए देखिए, एक कटोरी भर के मैंने अंकुरित किए हुए मूंग लिए हैं। इसी के साथ मैंने दो हरी मिर्च ली है तीखी वाली, 5-6 लहसुन की कली और 1 इंच अदरक का टुकड़ा। आप लहसुन नहीं खाते तो लहसुन को हटा दें। अब हम एक चॉपर लेंगे और चॉपर में ये सारी चीज़ें डालकर ना इनको चॉप कर लेना है, दरदरा कर लेना है। पानी बिल्कुल भी नहीं डालना, यानी इसमें साबुत मूंग नहीं रहने चाहिए। आपके पास चॉपर नहीं है तो मिक्सर में चलाकर इनको दरदरा कर लें। देखिए, सारी चीज़ें अच्छे से चॉप हो गई, एक भी साबुत मूंग नहीं है। अलग बाउल में निकाल लें इनको। अब हम कुछ मसाले डालेंगे। 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डाल लें, 1/2 छोटा चम्मच नमक, या आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लें, 1/4 चम्मच कच्चा जीरा डालें और 1/4 चम्मच हींग। हींग से ना बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। आप ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं तो इसमें 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल लें। 2 चम्मच मैं देसी घी डाल रही हूँ। घी डालने से ना ये सॉफ्ट बनता है। इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी डाल सकते हैं। और ये 1 कटोरी मैंने गेहूं का आटा लिया है। जिस कटोरी से मैंने मूंग लिए थे ना, उसी कटोरी से गेहूं का आटा लिया है। मिलाएंगे अच्छे से और अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम ये आटा गूंथ लेंगे। सारा पानी एक साथ नहीं डालना, जरूरत के अनुसार हम पानी डालेंगे। 1 चम्मच ले लें और उससे थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं। जैसे हम पूड़ी के लिए आटा गूंथते हैं ना, थोड़ा टाइट आटा, वैसे ही आटा गूंथना है हमें। ऐसे चम्मच से पानी डालते जाएं और ये आटा गूंथने में 5-6 टेबलस्पून के लगभग पानी लगेगा। आटा गूंथ लिया है, इसको ढककर रखेंगे हम 5-6 मिनट के लिए, अच्छे से सेट हो जाएगा। और ये देखिए, आटे को रखे हुए मुझे लगभग 5 मिनट हो गई है। आटा हमारा अच्छे से सेट हो गया। आटे को एक बार फिर से मसल लेंगे और इसमें से ना 3-4 लोई बना लेंगे। नॉर्मल पराठे के लिए हम जितना आटा लेते हैं तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा आटा लें और इसकी लोई बना लें। 4 पराठे आसानी से बन जाएंगे। सूखे आटे में अच्छे से डस्ट कर लें और इसको ना पहले हाथ से थोड़ा चपटा कर लें। बेलते समय ध्यान देने वाली बात कि आप इसे न तो ज़्यादा पतला बेलें और ना ही ज़्यादा मोटा, यानी इसकी थिकनेस ना हमें मीडियम रखनी है। ये आसानी से बेल जाता है। देखिए, पराठा मैंने बेल लिया है। अब हम इसको ना काट लेंगे। तो एक डब्बे का ढक्कन ले बड़े साइज में, बीच में रखकर इसको काट लेना है। जो एक्स्ट्रा आटा बच गए ना, इसे हम निकाल कर उसी आटे में मिक्स करेंगे और काटने से ना ये एक ही शेप में बनेंगे, गोल गोल, देखने में भी अच्छे लगेंगे। और ये देखिए, पराठा तैयार है। पराठा सेकने के लिए चलते हैं गैस की तरफ। गैस पर मैंने पहले तवा गर्म होने के लिए रख दिया था। गैस की फ्लेम को लो कर लें और तवा भी ना ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, हल्का गर्म होना चाहिए। लो फ्लेम पर ही हम ये पराठे सेकेंगे। उलटते पलटते रहें और देसी घी लगाकर ये पराठे सेक लें अच्छे से क्रिस्पी होने तक। देसी घी में हम पराठे सेकते हैं तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। आप चाहें तो रिफाइंड में भी सेक सकते हैं, लेकिन सेकते समय आप जरूर ध्यान रखें कि गैस की फ्लेम को लो ही रखें। अगर हाई फ्लेम पर ये पराठे हम सेकते हैं तो बाहर से जल्दी से सिक जाते हैं, अंदर से कच्चे रह जाते हैं। और ये देखिए, पराठा हमारा अच्छे से क्रिस्पी हो गया। इसको उतार लेंगे और ऐसे बचे हुए पराठे हम बेलेंगे, काटेंगे और सेक लेंगे। तो फ्रेंड्स, सुबह की भागा दौड़ में आप ये पराठे बनाना चाहते हैं तो आप पहले ही इनकी तैयारी करके रख सकते हैं। और सुबह आप झटपट से ये पराठे बनाकर बच्चों के टिफिन में भी पैक करके दे सकती हैं। आप ये पराठे सेकते जाइए और इनके ऊपर देसी घी लगाकर रख लेंगे ना, तो काफ़ी देर तक पराठे सॉफ्ट बने रहेंगे। और ये लीजिए, प्रोटीन और न्यूट्रिशन से भरपूर हमारे गर्मा गर्म पराठे खाने के लिए तैयार हैं। मैंने इनको रायते के साथ सर्व किया है। आप हरे धनिए की चटनी के साथ, अचार के साथ, किसी के साथ भी इनको खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी अंकुरित मूंग से ये हेल्दी और टेस्टी पराठा बनाकर खाइए और खिलाइए। अंकुरित मूंग न्यूट्रिशन से भरपूर है, इसमें फैट की मात्रा बहुत कम पाई जाती है। इसे आप अपनी डाइट में सलाद, चाट के रूप में भी शामिल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ एक और नई आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।